ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਲੂ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਰਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਨਰਮ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 4 ਆਲੂ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ तो हुण असीं गोल गोल साइज दे विच इस तरह आपां पतले पतले स्लाइस दे विच कट लेना ज्यादा पतला नहीं वेलांगे बिल्कुल थिक भी होना चाहिदा थोड़ा जिहा पतला होना चाहिदा इस तरीके नाल आपां इसकी कटिंग करांगे तुसीं वीडियो दे विच भी देख सकते हो इस तरीके नाल पकौड़े क्रिस्पी अते बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जांदे ने हुण बाउल दे विच इक कप बेसन लवांगे इस दे विच नमक स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करांगे ते रंग वास्ते थोड़ी जी आपां हल्दी पावांगे सिर्फ 1/4 टेबल स्पून ते आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करांगे इस नाल पकौड़े जेड़े बहुत ही स्वाद लगते ने खाने विच आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर पावांगे थोड़ा खट्टा मिट्टा टेस्ट लियाने लई आधा चम्मच असी आमचूर पाउडर पावांगे बेसन नू मसालियां दे विच बहुत ही वधिया चम्मच दे नाल मिक्स कर लवांगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करांगे इस दा आपां गाढ़ा बैटर बना के तैयार करांगे बेसन दे विच गुठलियां बिल्कुल ना बनन इसी करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नाल नाल चम्मच नाल हिलांदे जावांगे जदों तुहानू लगे कि थोड़ा गाढ़ा बैटर हो चुका है सानू इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए है ना ज्यादा गाढ़ा होवे ते ना ही ज्यादा पतला होवे बैटर बनके बहुत ही वधिया तैयार हो चुका है हुण आपां तेल चढ़ा देवांगे जदों तेल थोड़ा गर्म हो जावे 2 चम्मच गर्म तेल असी बेसन दे विच इस तरीके नाल ऐड कर देवांगे इस तरीके नाल तुहाडे पकौड़े जेहड़े बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी बन के तैयार होणगे ते एकदम फुल्ले फुल्ले पकौड़े बन के तैयार होणगे सो आपां मिक्स कर लवांगे दो मिनट असी रेस्ट दवांगे उस तो बाद असी आलू दे इस तरह स्लाइस विच पा के बहुत ही वधिया दोनों पासे बेसन लगा के ते कढ़ाई दे विच पावांगे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਜਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੜਨ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਡਾ ਬਿਨਾਂ ਰਵੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਫਟਾਫਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ मैं इस तरीके नाल छली दे विच पकौड़े पा ले ने इस तरीके नाल की हुंदा है कि पकौड़े जेड़े आ इन्हां विचों जिन्ना भी एक्स्ट्रा ऑयल आ थोड़ा बहुत रह जांदा है ते ओह आपां इक थल्ले प्लेट रख के ते जिन्ना भी एक्स्ट्रा ऑयल ओह प्लेट दे विच आ गया उस दे विच मैं आटा गुन के तैयार कर लैनी आ इस नाल जिहड़ा तेल ओहदी बचत भी हो जांदी है ते खाण विच भी ऑयली पकौड़े बिल्कुल नहीं लगदे तुहानूं मेरा तरीका वधिया लगा है ते मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो फुले फुले आलू दे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार ने हुण आपां प्लेट दे विच सर्व करांगे एकदम नरम बन के पकौड़े तैयार होए ने जे अज दी रेसिपी पसंद आई होवे वीडियो नू लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो इस तरह दी होर न्यू वीडियो देखण लई साडे दलबीर रसोई चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दियो मिलती है एक न्यू वीडियो दे नाल।